रिच बनना या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, ये सब एक गेम की तरह है जहां गोल्स भी हैं और बाकी कॉम्पिटिटर भी, साथ में कुछ पेनल्टीज भी हैं और बेस्ट प्लेयर के लिए ट्रॉफीज भी। लेकिन हर गेम की तरह गेम को जीतने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है, तभी आप इस गेम के चैंपियन बन सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। वरना आप भी एक मिडिल क्लास की रेस में दौड़ते रहोगे। इसीलिए हमेशा की तरह आज भी हम एक वैल्यूएबल वीडियो लाए हैं, रिच लोगों के 5 मनी रूल्स शेयर करेंगे जो वर्ल्ड वाइड वेल्दी लोग सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी अचीवमेंट्स हासिल की है। इन रूल्स को फॉलो करके आप भी जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन 5 रूल्स के बारे में। इससे पहले वीडियो स्टार्ट हो, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रूल नंबर 1, फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। दोस्तों, पता है इस बात की आपको ऑलरेडी जानकारी है कि पैसा सेव करना ही फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप है, और ज्यादातर लोग पैसा सेव करने की आदत भी डाल लेते हैं और कुछ सेफ म्यूचुअल फंड्स और एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, और इसीलिए काफी सारे लोग इसके बाद का मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप नहीं ले पाते, और वो है सिर्फ पैसा सेव करने से ज्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने में ज्यादा फोकस करना, क्योंकि लोगों को सेफ गेम खेलने और कम्फर्ट की आदत हो जाती है। तो दोस्तों, ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको 60 की उम्र में अपनी ड्रीम कार चलानी है या 26 की एज में। अगर 26 या उसके आसपास की उम्र में आपको अपनी ड्रीम कार चलानी है तो आपको पैसा सेव और इन्वेस्ट करने के साथ ही अपनी इनकम को भी 10x करना होगा, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स और आपकी एजुकेशन और आपकी स्किल्स आपको कुछ ही महीनों में इतना पैसा बना के दे सकते हैं जितना आपकी सेविंग्स वगैरह शायद कई सालों में भी ना दे पाए। देखो, सेविंग करना बहुत जरूरी है, लेकिन उन सेविंग के पैसों को काम पे लगाना भी जरूरी है, अपनी खुद की स्किल्स पे इन्वेस्ट करके या अपने कोई स्टार्टअप या बिजनेस में इन्वेस्ट करके। या तो आप स्लो लेन पकड़ सकते हो या फास्ट लेन, ये चॉइस आपकी है। रूल नंबर 2, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इंटरनेट होने की वजह से आप ये सारी नॉलेजेबल वीडियोस फ्री में देख पा रहे हैं, जिसको सीखने के लिए लोगों को शायद कितनी सारी महंगी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं और उसमें रिसर्च करना पड़ता है। लेकिन कोई भी नॉलेज तभी काम आती है जब उस नॉलेज को आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, क्योंकि जितना नया आप सीखते हो उतना ही अलग आपको चीजें देखने का नजरिया मिलता है, और जितना आप उसे अप्लाई करते हो उतना ही आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो आप जितना भी मनी से रिलेटेड वीडियो देखोगे, बुक्स पढ़ोगे या किसी से डिस्कस करोगे, उतनी ही आपको इस मनी गेन की नॉलेज होगी, और जितना आप उस नॉलेज को अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा चांसेस होंगे आपके जल्दी ग्रो करने के। आपके पास जितना भी पैसा रहता है, कम या ज्यादा, आप उसे फालतू में कहीं खर्च करने की जगह न्यू स्किल्स सीखने में, फाइनेंशियल बुक्स में या नॉलेज लेने में लगा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हम नहीं बल्कि खुद वॉरेन बफे भी कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ एंड द मोर यू लर्न मोर यू अर्न। रूल नंबर 3, डोंट चेज मनी अट्रैक्ट मनी। यानी कि खुद इतना वैल्यूएबल बनो कि सक्सेस आपके पास खुद आए, आपकी स्किल्स और एक्सेलेंस की वजह से आप खुद जितना वैल्यूएबल बनते हैं, आपके पास जितना एक्सपीरियंस होता है नई चीजें सीखने का, उतने ही लोग आपको पैसे देते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जितना आप चाहते हैं उतना पैसा देने के लिए लोग तैयार रहते हैं। अगर आप इतने कैपेबल हो तो कि आप उनकी सच में हेल्प कर सको, तभी आपने देखा भी होगा कुछ टैलेंटेड कामयाब लोग की स्टेज पर कुछ ही देर की स्पीच देने का ही लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं। यही एक डिफरेंस होता है कि जो लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और पैसों के पीछे भागते हैं, और वहीं कुछ इतने वैल्यूएबल लोग होते हैं जो सालों तक मेहनत करके और रोजाना कुछ नया सीखकर बाकियों से इतना आगे निकल जाते हैं कि पैसा और सक्सेस उन्हें फॉलो करती है। क्योंकि दोस्त, लाइफ में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि आपको वो मिलता है जो कि आप डिजर्व करते हो। रूल नंबर 4, स्टे पुअर अंटिल यू रियली गेट रिच। एक बार जब बिजनेस या जॉब से पैसा आना शुरू हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट ऐसा करने का मन करने लगता है कि ये पैसा कहीं खर्च करें, कुछ लग्जरी चीजें खरीदें या वो सब चीजें करें जो उनका मन है, क्योंकि उन्होंने खुद हार्ड वर्क करके वो पैसा कमाया है
और फिर वो सब चीजों में पैसा खर्च करते हैं जो उनका मन कहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत, इतना हार्ड वर्क इसलिए नहीं किया था कि वो अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा महंगे फोन ब्रांड्स को या क्लोदिंग ब्रांड्स को दे, बल्कि उनका गोल था कि जब वो पैसा कमाना शुरू कर देंगे तो वो उससे और पैसा बनाएंगे और जल्द ही वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। दोस्तों, आप सबका और हम सबका गोल रिच दिखना नहीं, रिच बनना होना चाहिए, क्योंकि रिच लोगों का यही सीक्रेट है कि वो जितना अफोर्ड कर सकते हैं उससे कम ही खरीदते हैं। आप सभी लग्जरीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और आप सभी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन आपको उससे पहले इतना कमाना पड़ेगा कि आप उस चीज को बिना ज्यादा सोचे 10 बार खरीद सको। रूल नंबर 5, ऑलवेज बी अ बॉस ऑफ मनी। किसी को भी नौकर बनने का शौक नहीं होता, लेकिन ये दुनिया कुछ इस तरह वर्क करती है कि लोग इसमें रोज सरवाइव करने के लिए और इसका हिस्सा बने रहने के लिए ऐसे डिसीजंस और हैबिट बना लेते हैं जिनके कारण उनको पैसा कमाते हुए भी पैसों का नौकर बनना पड़ता है, और वो होता है लोन्स, EMI या इवन किसी से लिए हुए कर्जे की वजह से, जहां लोग कई बार खुद को खुश करने के लिए या मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में लोन लेकर या EMI बंधवाकर महीनों या सालों तक बैंक्स या पैसों के नौकर बनके हर महीने काम करते हैं और बैंक्स को टाइम पर पैसा देते हैं, वो भी सिर्फ कुछ वक्त के शौक को पूरा करने के लिए या दूसरों को 5 मिनट के चक्कर में इम्प्रेस करने के लिए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर पानी है तो किसी भी लोन या कर्जे से दूर रहो, और ये कर्जा लेने की आदत कभी अपने अंदर मत डालना, चाहे 500 रुपए हो या 5 लाख। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म होती है, और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जिससे आने वाली अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके।